सो so, गेल का चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है और रिजल्ट्स आने के बाद स्टॉक के अंदर कोई हिलचाल नहीं है ओके okay है कंसोलिडेशन फेज़ में ही ये स्टॉक चल रहा है थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम का अगर मैं चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही फैंटास्टिक है और आप लोग देखोगे कि ये स्टॉक्स मैंने कहाँ पर रिकमेंड किया था समवेयर अराउंड एटी वन और वहाँ से आप लोग देख लो कि कितना मल्टी ये एडवाइस साबित हुआ है 162 परसेंट राइट सो और देखो यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने यहाँ पर रिकमेंडेशंस दिया था अब मेरा इंडिकेटर के ऊपर भी ये सबसे पहले हम थोड़ा देख लेते कि गेल ने इंडिकेटर के ऊपर किस तरह से परफॉर्मेंस दिखाया था देखो यहाँ पर शॉर्ट एग्जिट आ गया था उसके बाद बाय का सिग्नल जो चल रहा है बीच बीच में थोड़े इम्पल्स आए बट यहाँ पर अल्टीमेटली बिठा दिया आपने तो अल्टीमेट ये लेवल देखो या ये लेवल देखो मोर ओवर लेस सेम ही है राइट सो इंडिकेटर भी बहुत ही अच्छे से गाइड करता है और यहाँ पर भी आप लोग देखोगे कि मैंने यहाँ पर भी रिकमेंडेशंस दिया था करेक्ट तो इंडिकेटर का आप लोग परफॉर्मेंस चेक करोगे तो इंडिकेटर ने भी यहाँ पर इसके आसपास ही बाइंग सिग्नल दिया हुआ है देख लो करेक्ट आर यू गेटिंग मी इसके नेक्स्ट कैंडल में ही उसने बाय का सिग्नल दिया है सो so, मेरी एडवाइस है या इंडिकेटर के एडवाइस है दोनों सेम ही है ठीक है सो so, बड़ी टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कोई प्रॉब्लम है नहीं एकदम फैंटास्टिक चार्ट है बट वीकली चार्ट के ऊपर है ना थोड़ी खतरे की घंटी यहाँ पर दिखाई दे रही है सो so, मैं यहाँ पर आपको क्या सजेशंस दे रहा हूँ नया फ्रेश लॉन्ग पोजिशन अगर आपको बनाना है तो थोड़ा महंगा बनाना पड़ेगा करेक्ट यहाँ पर कोई बाय डिप्स अगर हमें करना नहीं है सो so, यहाँ पर जिस तरह का चार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ महंगा लेने की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको बाय करना है टू टू वन टू दो सौ के ऊपर जब तक नहीं निकलता है इस स्टॉक को छूना नहीं है और मोमेंटम अगर प्ले करना है आपको मोमेंटम अगर प्ले करना है आपको इस स्टॉक के अंदर ये एफ एंड स्टॉक के अंदर भी अवेलेबल है ये स्टॉक सो मोमेंटम आपको प्ले करना है तो टू वन टू के ऊपर जैसे ही निकलता है इमीडिएट बेसिस के ऊपर किसी को भी बाय करना है आप जरूर से बाय कर सकते हो वहाँ पर एटलीस्ट पचास परसेंट क्वान्टिटी बाय कर लो वहाँ से और थोड़ा डाउनफॉल आता है करेक्ट मैं थोड़ा पोजिशनल एडवाइस भी यहाँ पर दे रहा हूँ अगर टू वन टू के ऊपर निकल जाए उसके बाद थोड़ा वापस थोड़ा नीचे भी आता है 210 से लेकर 205 की रेंज में तो वहाँ पर भी अनदर 50 परसेंट क्वान्टिटी आप ले सकते हो और फिर फाइनली स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा टू हंड्रेड का सो so, गेल के अंदर मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से आप लोग काम जरूर से कीजिएगा और स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जाता है और स्टॉक यहाँ से ऊपर नहीं जाता है और 198 के नीचे ही सस्टेन करना चालू कर देता है यहाँ से ऊपर स्टॉक नहीं जाता है 198 के नीचे सस्टेन करना चालू कर देता है तो फिर स्टॉक के अंदर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है करेक्ट तो समझदार लोगों को लोगों के लिए ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ये लेवल के नीचे जैसे ही सस्टेन करना चालू करता है आप ऑप्शन के अंदर भी प्ले कर सकते हो सो so, जिस तरह से मैंने बताया है गेल के ऊपर आप लोग देखिएगा अब यही चीज़ मैं आपको इंडिकेटर के ऊपर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ मंथली के ऊपर फैंटास्टिक मूव चालू है और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये एडवाइस भी मल्टी बैगर एडवाइस साबित हुई है इवन इंडिकेटर ने भी बहुत ही फैंटास्टिकली हमें गाइड किया है इवन आप वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी देखोगे तो वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर जो बाय आया है उसके बाद देखो स्टॉक्स ने क्या बिठाया है ये इंडिकेटर ने क्या बिठाया है हमें समझ रहे हो मेरी बात और इवन डेली चार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये साइडवेज कंडीशन में है तो साइडवेज कंडीशन में है इसीलिए मैंने आपको जिस तरह से बताया है उस तरह से आप लोग काम कीजिएगा फ़ायदा आपको ज़रूर से होगा